उपभोक्ता अधिकार में से विश्लेषणात्मक एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक अंक आएगा। मुझे 4 नंबर के क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत हद तक फिक्स रहेगा कि कौन सा आना है। मुझे दिक्कत इस 2 नंबर वाले क्वेश्चन से है, ये कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। तो देख लेते पहले ऑब्जेक्टिव, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन भी, देख लेते हैं छोटे मार्क के और बड़े मार्क के क्वेश्चन लगभग लगभग फिक्स हैं, उसमें से आना चाहिए। भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस नाम से जानता है? तो कोपरा कानून के नाम से जाना जाता है। एक मार्क किसका है? कृषि से जुड़ा हुआ खाद्य पदार्थों का चिन्ह है। सूचना का अधिकार 2005 में आया था, अक्टूबर 2005, ये भी याद रखना पड़ेगा। कौन से उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये नहीं है, बाकी ये अपना मौलिक अधिकार है, बाकी सब उपभोक्ताओं के अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार में नियमों एवं विनियमों के माध्यम से सुरक्षित है उपभोक्ता? शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता, उपभोक्ता अदालत। शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता जागरूकता और समझदारी, कुछ भी आ सकता है इसमें। तो वैसे अगर इसमें देखा जाए तो उपभोक्ता अदालत और उपभोक्ता संरक्षण नियम कानून, शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता, शोषण के निदान का, जहाँ शोषण हो रहा होता है मतलब फायदा उठाता है दुकानदार। खालिस्तान में कुछ भी आ सकता है, ये परेशानी रहती है खालिस्तान की कि कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं हो सकता, लेकिन देख लेंगे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी को पता है इस बारे में। संयुक्त राष्ट्र कब मनाया जाता है, कौन सा दिसंबर, बताओ? 24 चौबीस, चौबीस हाँ, तो दिसंबर मेरे ख्याल से वो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन अगर आता है तो। और इसमें देखो दो तीन आंसर हो सकते हैं, आंसर देखना पड़ेगा अपन को क्या लिखा है उन्होंने। शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता जागरूकता भी हो सकता है, जागरूकता भैया, जागरूकता और शिक्षा है। और शिक्षा, हाँ वो हो सकता है बिल्कुल। और यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता अदालत, वो भी तो शोषण के विरुद्ध बचा रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है जो इसमें लिखा होगा, अनफॉर्चुनेटली हमें वही रखना पड़ेगा यार। संयुक्त राष्ट्र ने खालिस्तान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को अपनाया, संयुक्त राष्ट्र ने जो इंट्रोडक्शन आएगा चैप्टर में उसमें लिखा हुआ है, 1900 उपभोक्ता आंदोलन, 1985 में, 1985 में उपभोक्ता इंटरनेशनल दिया हुआ है पेज नंबर 78 पर, उसमें लिखा हुआ है ये चीज, 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया। राज्य स्तरीय अदालत खालिस्तान के बीच के मामलों से संबंधित है, तो अपन को इस पर बुक पे रहना पड़ेगा। मैंने हालांकि आपको बताया है कि कब, अभी जो लेटेस्ट सीमा है वो 20 लाख तक हो गई है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो रहते हैं वो 20 लाख रहते हैं, फिर राज्य जो है वो 2 करोड़ तक देखता है, और फिर उसके 2 करोड़ के आगे नेशनल देख रही होती है। लेकिन अपनी बुक में जो लिखा हुआ अपन को वही लिखना पड़ेगा, बुक में लिखा हुआ राज्य स्तरीय अदालत खालिस्तान के बीच के मामलों से संबंधित है, तो राज्य स्तरीय अदालत जैसे राजा कहते हैं वो 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मामलों से देखती है, 1 करोड़ तक को देखती है। बुक में 1 करोड़ लिखा हुआ है, रियलिटी में सीमा अभी बढ़ गई है, 2 करोड़ हो गई है, तो आप वर्तमान में 2 करोड़ लिख भी सकते हो लेकिन मैं चाहो तो, लेकिन अगर आता है तो बुक में प्लीज इसका इस्तेमाल करना, 1 करोड़ का। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया खालिस्तान और तेज है, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया सुलझी सरल है हुई भैया, है, सरल है, ठीक, जल्दी और तेज। वही ना, ये इसमें कुछ भी आ सकता है अपने हिसाब से जो इसमें लिखा होगा, हमको अनफॉर्चुनेटली वही याद रखना पड़ेगा। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया आप यहाँ पर सरल और तेज बिल्कुल सही हो सकता है, वो भी हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सुलझी हुई। भैया सरल नहीं है, उसमें सरल नहीं आ रहा, जटिल जटिल जटिल, खर्चीली और तेज है। अभी आवाज नहीं आई थी क्या? नहीं अभी नहीं आई थी, अब आ रही है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल है, हाँ भैया हाँ भैया, जटिल जटिल तेज। जटिल खर्चीली और तेज है, बढ़िया। तो
सरल तेज क्यों नहीं हो सकता? हाँ वैसे इतनी इजी भी नहीं है। चलो अपन को देखना ही पड़ेगा, वो बिना उसके नहीं होगा। हॉलमार्क आभूषण की शुभ गुणवत्ता, भैया। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता को बनाए रखने की वाला एक प्रमाणन चिन्ह है, सही गलत बताना है। तो सही है, जिला स्तरीय उपभोक्ता तो 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई करती है। सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कितना लिखा हुआ था? इसमें नहीं लिखा हुआ है जिले तक की, बाकी 20 लाख तक सही है। कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है, इसमें मुझे डाउट है, देखना पड़ेगा, क्योंकि केवल लिखा हुआ ना, मेरे को इस केवल शब्द से दिक्कत है कि केवल नहीं होता सामान, वो सेवाओं पर भी लागू होता है। अगर कोपरा सामानों पर लागू होता है लिखा होता तो सही होता, लेकिन अब देखते हैं इसमें, एक बार देख ही लेते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि क्लास में भी ये चीज आई थी। सही गलत का तीसरा। झूठा लिखा इसमें, चल झूठा, तो झूठा वाला झूठा है, गलत है। केवल सूचना मतलब केवल वस्तुओं पर नहीं लागू होता है, वो सेवाओं पर भी लागू होता है, मैंने बताया ना। तो केवल शब्द यहाँ पर भी अपनी बात को सेटिस्फाई कर रही है जी, केवल लिखा हुआ है उसमें, अगर केवल नहीं सामानों पर लागू होता है तो बिल्कुल सही हो जाता है वो चीज। लेकिन ध्यान रखना, अगर पेपर में जाता है ना कि कोपरा सामानों पर लागू होता है, तो डिपेंड करेगा भाई साहब, थोड़ा सा आप फंस सकते हो उसमें, है ना। एक बार इंग्लिश में चेक कर लेना क्या लिखा हुआ है। ओनली लिखा हुआ है, यदि कोपरा इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स ऐसा लिखा हुआ है तो फिर मामला नहीं आएगा। अगर कोयला सामानों पर लागू होता है तो बिल्कुल सही होगा, वो वस्तुओं पर और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। उसकी पुष्टि जो है वो चैप्टर के लास्ट पेज पे हो जाती है, 87 पेज पर। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने तो कोपरा का सन 2019 में संशोधन हुआ है, जिसमें अब इंटरनेट और के माध्यम से खरीद भी शामिल है। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। तो सेवा भी शामिल है उसमें, ये पुष्टि कर रहा है ये वाली लाइन यहाँ पर, है ना। मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। भारत दुनिया के उन देशों में से जहाँ विशेष अदालतें उपभोक्ता के संरक्षण के लिए, सही है। एक उपभोक्ता को क्षति की मात्रा के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ISI सूचना का अधिकार, जोड़ियों का मिलान करना है, तो ISI ये जोड़ी वो उसी में से है, आपकी जो चैप्टर की आखिरी जोड़ी है ना उसी में से, एक बार मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उसको कर लेना, बहुत जरूरी है वो, और गलत मत लिखना उसमें। उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य, अभी देख रहे हैं चैप्टर में आएगी ना, देख लेंगे वो सही जोड़ी। उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य क्यों लिखा जाता है, MRP क्यों लिखा जाता है, पता है आपको, ताकि दुकानदार उससे ज्यादा कीमत पे उसको ना बेच सके। आखिरी चीज है क्या है, व्हाट द हेक, ये कैसा क्वेश्चन है, आखिरी चीज है क्या? अंतिम उत्पाद की बात तो नहीं कर रहा? हाँ सत्य को झूठा लिख रहा हो सकता है, अंतिम उत्पाद की बात एक कर रहा। वाक्य में उत्तर दो, और लिखा हुआ है आखिरी चीज है क्या है। अंतिम उत्पाद इसमें नहीं आता है ना, वो तो उसमें आता है, स्टार्टिंग में आता है अंतिम उत्पाद, तो इस चैप्टर में कहाँ आता है अंतिम उत्पाद, आखिरी चीज। भैया बहुत तो वही रहती पता, है भैया, हाँ बहुत रहती है वाली तो नहीं आई क्या? भैया, वो तृतीय श्रेणी में आता है ना, प्रथम श्रेणी द्वितीय फिर तृतीय है, तो उसमें सेवा आए शायद इसी में। आखिरी चीजें सेवा, कितना अजीब लग रहा है। एक वस्तु जिसका उपयोग उपभोक्ता वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, खोपरा। खोपरा को खोपरा वो की लिख रही है, 1960 और चिकित्सा आंसर पहले देख लिए। आखिरी चीजें इसमें लिखा हुआ है, आखिरी चीजें क्या है, वे सभी चीजें जिसका उपयोग डायरेक्ट उपभोक्ता करता है उनको आखिरी चीजें बोलते हैं। बकवास है, पता नहीं आ जाए तो हो सकता है कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, बोर्ड दे भी दे, पागलपंती।
भारत में उपभोक्ता आंदोलन संगठित रूप में कब जन्म लिया? तो 1960 का है ये वाला, पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? कोपरा है, खोपरा नहीं, इन्होंने कोपरा लिख दिया, तो कोपरा है वो, COPR है, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक उच्च सुरक्षा आवश्यक उत्पाद लिखें, एक उच्च सुरक्षा आवश्यक उत्पाद लिखें, व्हाट द हैक मैन, उच्च सुरक्षा आवश्यक उत्पाद लिखें, ऐसा प्रोडक्ट जो उच्च सुरक्षा, भाई ये मेरा दिमाग खराब कर देगा ये। चिकित्सा, चिकित्सा आंसर था, ये उत्पाद है। यही हाँ मैं वो, मैं तुम पे नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक उच्च सुरक्षा भैया, आवश्यक उत्पाद। हाँ भैया प्रेशर कुकर में बॉल, सेफ्टी बॉल। हाँ बिल्कुल, सूचना का अधिकार क्या है? दो अंक के क्वेश्चन, हाँ ये जरूरी हो जाता है, दो नंबर में ये बिल्कुल आ सकता है। सूचना का अधिकार क्या है? उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता कौन है आपको पता होना चाहिए, जो कंज्यूमर होता है, जो गुड्स यूज कर रहा होता है, जो वस्तु यूज कर रहा होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो आप लिख सकते हो इसी दिन लागू हुआ होगा कोबरा आपने यहाँ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तरह उसी की याद में मनाते होंगे 26 दिसंबर को। हाँ 1986 में जो कोपरा अधिनियम पारित हुआ था ना, वो 24 दिसंबर को ही हुआ था। तो 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित किया गया था, और इसी कारण से हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मना उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसका मकसद है उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, है ना। इसी दिन संसद में पारित हुआ था ये कानून, कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण कानून, जिसको कोपरा बोलते हो, 24 दिसंबर 1986 में। आप एक कुशल उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं? यदि हम अपने अधिकारों की जानकारी रखेंगे, जो जो अधिकार है हमको उसका उसकी जानकारी रखेंगे, जिससे हम दुकानदार के शोषण से बच सकते हैं, तो तब हम एक कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। उपभोक्ता संगठन की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता संगठन वही है जो उपभोक्ता संगठन परिषद का जो डेफिनेशन है ना, एक ऐसा गैर सरकारी समूह या ऐसा गैर सरकारी संगठन जो कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार है, या फिर न्याय दिलाने के लिए उनकी मदद, उपभोक्ता की मदद करता है, उसे हम उपभोक्ता संगठन या उपभोक्ता संरक्षण परिषद बोलते हैं। वही है, संरक्षण परिषद को ही उपभोक्ता संगठन बोलेंगे। उपभोक्ता न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए, जिला न्यायालय, राज्य न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायालय। तो जिला न्यायालय 20 लाख तक के मामले देखता है, राज्य न्यायालय 1 करोड़ तक के मामले देखता है, और 1 करोड़ से ज्यादा ज्यादा होते हैं, 10 करोड़ से ऊपर तक। अच्छा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर क्या है? जिला स्तर का न्यायालय, जैसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमों का विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जैसे राज्य आयोग कहते हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के देखता है, और राष्ट्रीय स्तर का राज्य, जो 10 करोड़ से ऊपरी दावेदारी करता है। मैंने पहले 20 लाख बोला था ना शायद, जिला स्तर का न्यायालय भाई साहब 1 करोड़ के दावों तक विचार करता है। मैं गफलत में क्यों हूँ यार? भाई 1 करोड़ ही, 1 लाख 1 करोड़ है, पेज नंबर 84 पर है, मैं बुक सामने खोला हुआ हूँ। डेफ
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल फॉर्म हैज प्रिस्क्रिप्शनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ अप टू एन अमाउंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट 20 लाख्स। यार अभी ऑब्जेक्टिव में भी देखा अपन ने, भाई ये बुक अलग क्यों बोल रही है अपने हिसाब से। द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैज अ प्रिलिमिनरी रिजल्ट बिटवीन द क्लेम 20 लाख बट नॉट एज 1 करोड़ रुपीज। डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर भी बोल रहा है कि 20 लाख है, अभी ऑब्जेक्टिव में भी अपन ने 20 लाख देखा, और बुक बोल रही है 84 नंबर पेज पे कि 1 करोड़ तक के मामले देखता है डिस्ट्रिक्ट। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है साफ ऑब्जेक्टिव में भी इस चीज़ ये क्लियर हो रही है कि जिला स्तरीय उपभोक्ता 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई करती है। एक बार और कंफर्म और कर लेते हैं इसको, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सही गलत में, सही गलत में सच्ची है ना, सत्य। तो उन्होंने सत्य की जगह सच्ची की जगह यूज किया हुआ है, ठीक है, अलग तो सही है ना। बुक में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। तो जिला स्तर की अदालत 20 लाख तक के मुकदमे देखती है, राज्य स्तर की अदालत 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुकदमे देखती है, और जो नेशनल लेवल की अदालत होती है वो 1 करोड़ से ज्यादा के मुकदमे देखती है ना। तो ये लिखा हुआ है, बुक का थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। माय गुडनेस, एक नई इन्फॉर्मेशन मिली अभी, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है, September 16, 2020 की। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा एक्ट 2019 विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम July 20, जो July 2020 से चालू हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम हैज नाउ बिकम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसका नाम बदल दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बदल के नाम बदल दिया, वो ठीक है। कंज्यूमर एंड एडवोकेट वेलकम अपग्रेडिंग द फोरम टू कमीशन टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेड इट विल बी मोर बेनिफिट कंज्यूमर, इट विल डिक्रीज केस लोड एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियसल। इन्होंने क्या कर दिया है, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन अर्लियर रेफर टू डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन नाउ इंटरटेन कंज्यूमर कंप्लेन हैविंग वैल्यू अप टू 1 करोड़। अर्लियर द लिमिट वाज 20 लाख, पहले 20 लाख थी लिमिट, अब जो है वो 1 करोड़ कर दी गई है लिमिट डिस्ट्रिक्ट की, जिला न्यायालय की। आपको इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर ये आ जाता है तो, ऑब्जेक्टिव में आता है तो भी आपको लिखना पड़ेगा, हो सकता हो टीचर को नहीं पता हो इस बारे में, है ना। तो ये साफ साफ आप लिखोगे जिला न्यायालय की, अब मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, असत्य है ना, ये वाला ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, बुक में गलत लिखा हुआ है। लेटेस्ट जानकारी जो है वो है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय 1 करोड़ तक के मुकदमे देखती है, पहले लिमिट 20 लाख थी, है ना। आप लिखोगे कि जुलाई 2020 से ये इफेक्ट में आया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास अब 1 करोड़ तक के मुकदमे जा सकते हैं, और इस हिसाब से बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में दावे जो है वो 1 करोड़ से हो सकते हैं, मतलब बुक बिल्कुल सही है। द स्टेट कमीशन कैन इंटरटेन डिस्प्यूट वेयर सच वैल्यू एग्जीड 1 करोड़ बट नॉट मोर देन 10 करोड़। तो जो स्टेट लेवल की होती है, राज्य वो होता है आयोग, वो 10 करोड़ तक के मुकदमे देख सकता है, 1 करोड़ से 10 करोड़, और नेशनल कमीशन जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा के मुकदमे देखेगा। पहले 20 लाख से 1 करोड़ था, नेशनल कमीशन अब 1 करोड़ था, पहले की वैल्यूज चेंज हो गई है, मतलब बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में बिल्कुल सही है ये वाली बात, अगर आप बुक में देखेंगे तो Page number 84 पर दी हुई ये बात। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पुरानी बुक है, देखो आप लोग की बुक में क्या लिखा हुआ है, एक बार चेक करो Page number 84 पर,
यहाँ पर 20 लाख के तक के दावे लिखा हुआ है, मेरी बुक में नहीं दिखा मेरी रहा है बुक में बीस नहीं लाख दिखा रहा है 20 लाख, भैया बुक में 1 करोड़ तक के दावे। नई बुक में चेंज है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, नई बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर ये आता है तो तैयार रहना पड़ेगा केस लड़ने के लिए, आपको लड़ना पड़ सकता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, टीचर गलत कर देता है, तो आपको लड़ना पड़ सकता है इसके लिए। नई बुक में 1 करोड़ है, तो ध्यान रखें ये वाली चीज यहाँ पर गलत दी हुई है। जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 करोड़ तक के मुकदमे देख सकता है, राज्य 1 से 10 करोड़ के मुकदमे, और जो नेशनल रहेगा वो 10 करोड़ से ज्यादा के मुकदमे देखता है, याद रखना, कंफर्म है आप। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट, अच्छा ये वाला स्टेटमेंट 20 लाख नहीं 1 करोड़ आएगा, बिल्कुल सही, गलत हो जाएगा, है ना, तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर गलती समझ में आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा भैया झूठा, हाँ भैया झूठा नहीं है, अब ये वाला क्वेश्चन झूठा है भैया, झूठा होता तो भैया झूठा होता तो झूठा और झूठा, अरे प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है ना, झूठा और झूठा, जो भी है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। हाँ भैया, मगर आपने तो ये लिखवा दिया था पहले, जिला में, जिले में 20 लाख से कम, तो वो नहीं करना है ना, कॉपी में लिखवाया है। हाँ भैया बुक में ही लिखवाया था आपने जब चैप्टर पढ़वाया था। नहीं उसको सुधारो, ओके पुरानी बुक में है वो, उसको अभी जस्ट सुधारो। अगर जिन जिन के बुक में लिखा हुआ है अगर, तो वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नई बुक के हिसाब से चेंज हो गया है मामला, उसको सुधारो। ओके भैया थैंक यू। नहीं मतलब ये रिमेडियल पुराना है क्या? 10 साल इनने पुरानी बुक से बनाया होगा, 2020 जुलाई 2020 से बदला है ये, न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, अमेंडमेंट ला के बदल गया है और जुलाई 2020 से नया वो लागू हो गया है ना। और मैं कंफर्म इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि नई पुरानी बुक में 20 लाख ही लिखा हुआ है, जो अभी ऑनलाइन देख रहे हो आप, बुक ये पुरानी बुक है और नई बुक में 1 करोड़ है, तो आप लोगों के पास सभी के पास नई बुक है अभी, उसमें सभी में 1 करोड़ लिखा हुआ है, इसलिए आप बेहिचक जिला के लिए 1 करोड़ बोल सकते हो, है ना। और अगर गलत करते हैं वो तो अपन को केस तक लड़ना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। संगठन की परिभाषा दीजिए, न्यायालय कितने प्रकार के होते, बात कर लिए। 4 अंक का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, उपभोक्ता शोषण के 4 कारण बताइए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बाजार के नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों है, कुछ उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सीधी सी बात है, ये वाला क्वेश्चन वो वाला है जिसमें बोला गया है कि नहीं, वो वाली सोशल साइंस की बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे अगर पुरानी वाली बुक देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो मेरे सामने बुक है ना, 5वां चैप्टर की, ये वाले जो प्रिंट है, अरे लो बंद कर दिया मैंने, ये वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो है मेरे पास जो प्रिंट है, ये पुराना प्रिंट होगा, है ना, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करी है जो मैंने, ये पुरानी बुक होगी, प्रिंट का ईयर नहीं लिखा हुआ है इस पर, तो इस पर 20 लाख दिया हुआ है। अब जब 2020 के बाद ही छपी होगी अपनी बुक, तो उन्होंने उस चीज़ को सुधारा है, छोटी सी बात है लेकिन पता होना चाहिए अपन को, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने नहीं चाहिए। भैया भैया इसके पेज के नीचे 2021, हाँ ये सामने तो लिखा है, हाँ 2021 में बनी है ना, सही तो है, न्यू बुक है तो लेटेस्ट जानकारी के साथ है, तो ज़्यादा मत सोचो, सही है वो चीज़, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो उस पर, निपटेंगे फिर जैसा होगा, है ना। आप चाहो तो पुराना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो,
वर्तमान में अभी इतना है, ब्रैकेट में पुराना भी लिख सकते हो, कोई पुराना वो वाली बात नहीं। अब सही गलत में आएगा तो आपको पॉइंट लेना ही पड़ेगा, वहां पर असत्य लिख दोगे क्लैरिफाई करने के लिए, पेंसिल से लिख देना भले ही, कि पुरानी बुक में अलग है नई बुक में अलग है, डेट तक लिख सकते हो आप क्लैरिफाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल से लिख देना जो लिखना हो असत्य लिखने के बाद। अगर सही गलत में आता है, आपको लगता है कि नहीं टीचर नहीं समझेगा, तो आप लिख देना नया वाले के तहत आपने गलत करा, और ब्रैकेट में लिख देना कि जुलाई 2020 से जिला न्यायालय की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है, और राज्य की 110 करोड़ और नेशनल की 10 से ज्यादा 1 करोड़ कर दी गई, उस वो टीचर समझ जाएगा आपको। उपभोक्ता के शोषण के 4 कारण बताइए, मेरे ख्याल से बता सकते हो, आपको मालूम है कैसे कैसे ठगी होती है उसके साथ। आपके क्षेत्र में बाजार में जाते समय उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। कर्तव्यों का वर्णन क्या करोगे, आपके क्या क्या कर्तव्य है? पहली बात, पक्की रसीद लेना चाहिए। दूसरी बात, जो पैकेट पे जानकारी होती है, जो हमारे वो है ना, जिस तरह से हमारी ठगी होती है, उन्हीं को कर्तव्य बना सकते हो आप। हमको कोई भी वस्तु खरीदना है तो सूचना का उस पर जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, कहीं उसमें हानिकारक चीजें तो नहीं मिली है। तीसरा, पॉइंट में लिख सकते हो आप। तीसरा आप लिख सकते हो कि हमें मानकीकृत वस्तुएं ही खरीदनी। मानकीकृत वस्तुएं, हाँ, जो मानक दिए हुए हैं हॉलमार्क वगैरह वही खरीदना चाहिए। चौथा जो है बिल अधिकारों की पाबंदी, जानकारी। हाँ, हमारे अधिकारों के हमको बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। एमआरपी से कभी भी ज्यादा पे वैल्यू नहीं, एमआरपी जो है उसको ध्यान में रखते हुए वस्तु खरीदनी, उससे ज्यादा नहीं कितनी होना चाहिए। तीसरी, एक जो दुकान का भी हमारा वो होना चाहिए भाई, पक्की दुकान, दुकान ऐसा ना हो कि हमने कहीं से भी खरीद लिया तो उससे परेशानी हो सकती है। आप जैसे मान लो रेडी वाले से खरीदा आपने मार्केट में जाके, तो वो उसको कहाँ ढूंढते फिरोगे अगर कुछ खराब निकला तो। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें जो स्थायी दुकान है उनसे ही खरीदने वाले, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ये हमारे कर्तव्य हैं, हमको इनको फॉलो करना चाहिए। पक्का रसीद लेना चाहिए, पक्का बिल लेना चाहिए, कच्चा बिल नहीं, है ना। ये इंश्योर करना चाहिए कि उस बिल पर जीएसटी नंबर जरूर लिखा हो, जिससे हमको पता चले कि दुकानदार ने वो दिया हुआ, हालांकि फॉलो कौन करता है। मैंने खुद नहीं अभी जो है वो साइंस के इक्विपमेंट खरीदे अगर लिया, मैं मुझे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यदि मैं 5,000 6,000 का सामान, 5,000 का सामान अभी करीब लेके आया था मैं अभी साइंस के इंस्ट्रूमेंट, जिसमें दो इंस्ट्रूमेंट बहुत, एक इंस्ट्रूमेंट बहुत में हैवी था, तो वो 4,500 के करीब वो होगा सामान, उस पर 18% जीएसटी लग रही थी। आप खुद जोड़ के देखोगे तो 4,500 पे जो 4,500, देखो 4,500 गुणित 18/100, 810 रुपये, 800 रुपये जीएसटी में एक्स्ट्रा दूँ पक्का बिल बनवाने के लिए। उसके बाद भी जो कांच का आइटम है उसकी वारंटी तो रास्ते में अगर टूट जाता है तो वो तो कोई है ही नहीं, तो मैं 800 रुपये केवल जीएसटी, आप खुद सोचो, आप सोना लेते समय भी यही सोचते हैं हम, जब सोना ले रहे होते हैं ना हम तो भी यही सोचते हैं भाई पक्का बिल बनवाएंगे, हम अगर 20,000 का सामान ले रहे हैं तो 8 या 10% 12% जितने भी जीएसटी आता होगा उससे कोई एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा उसी सामान के, और आपको मालूम है कि कटने आएगा तो भी उतने में ही कटेगा वो जीएसटी, तो नॉर्मली हम बचते हैं उस चीज से, हालांकि उस चीज से देश को नुकसान होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते कई बार, हालांकि फिर से बोलते हुए बुरा लगता है, उसे देश को नुकसान होता है, लेकिन सभी अपना सोच रहे होते हैं इस मामले में। मैंने खुद देखा, आपने खुद बता दिया, मैंने खुद किया ऐसा। उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो अधिकार, 6 अधिकार हैं, 6 के बारे में आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ये चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किन कारणों से शुरू हुआ, ये भी चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए। रिमेडियल मॉड्यूल देख लेते हैं एक बार, रिमेडियल मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, इसमें हमको कुछ अलग तो नहीं दिया हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कुछ अलग दिया होगा, लेकिन एक बार देखना बनता है कि व्हाट द हेक, रिमेडियल मॉड्यूल में है ही नहीं। बहुत बढ़िया, भैया इधर हैं सारे। हाँ क्या ये दूसरा है क्या?
क्या बोल रही थी आप, पहले है क्या? अच्छा नहीं, आखिरी में ही राजनीति आ गया ये तो, औद्योगिकरण का युग और ये भूगोल आ गया, लास्ट में होना चाहिए था। नहीं है इसमें, रिमेडियल मॉड्यूल में ये नहीं है, भूल गए होंगे, थक गए होंगे बनाते बनाते, आखिरी के छोड़ दिया उन्होंने, जान दो बोले बच्चे कर लेंगे अपनी मर्जी से। तो रिमेडियल मॉड्यूल में है ही नहीं वाला चैप्टर, बढ़िया है, नहीं है तो अच्छा ही अपने लिए। तो अब हाँ इसके वो देख लेते हैं अपन लास्ट में, अब चैप्टर देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ कौन सी चीज आई थी, ताकि 82 पेज नंबर पे है, क्योंकि मैंने पढ़ा है भैया, इसीलिए मुझे पता है। 82 पेज नंबर पे, 42 फोर फोर 42 टू रिमेडियल फोर में। ओह, बीच में दिया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव वही है, आखिरी चीज इसमें दी हुई है, देख लेते हैं आखिरी चीज क्या है। एक वस्तु जो उपभोक्ता द्वारा संतुष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है, क्या है ये आखिरी चीज का डेफिनेशन लिखा, एक वस्तु जो उपभोक्ता द्वारा संतुष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है कुछ भी लिखा यार, कुछ भी, उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य क्यों लिखा होता है, उपभोक्ता जागरूकता के लिए। सही है, बहुत बढ़िया, क्या करूँगी, लिखना पड़ेगा। खोपरा, यहाँ पर भी खोपरा लिख के रखा है इनने, पागल है क्या ये लोग, क्या अपन गलती कर रहे हैं, भैया, हो कोप रही है, नारियल बना दियो उसे। खोपरा खोपरा लिख के रखा है जबरन में, 2-3 बार लिखा है, भाई सामने वाला भी सोचेगा कि यार उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है प्लीज लिख देना, इसमें 2 नंबर की जगह आपको आपको जो पता है इन्फॉर्मेशन वो लिखना चाहिए। उपभोक्ता विश्लेषण, बाजार के नियमों विनियमों की आवश्यकता के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, अरे वही है ना, सभी है, उसी के पास आंसर लिखे हुए हैं। उपभोक्ता अधिकारों से अनजान है, नियमों विनियमों में पर्याप्त अभाव भी नहीं आप